देश की बेटी साइना। साइना का जब से दोस्तों टीजर रिलीज हुआ है तब से ये अलग से चर्चाओं का विषय बन गई है। कुछ लोगों को ये पसंद आया है बेहद, वहीं कुछ लोगों ने मैक्सिमम उनके, अगर आप ट्रेलर सेक्शन में नीचे देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि यार ऐसा कब से हो गया। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक टुडे इंस्टा पे मौजूद हूं मैं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों साइना के इस टीजर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। सबसे पहले इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है अमोल गुप्ते ने। अमोल गुप्ते बेहद अमेजिंग एक्टर हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, और वो अच्छी अच्छी फिल्में, स्टैनली का ढब्बा उन्होंने फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। अभी ये थोड़ी से बड़ी बजट की फिल्म है जो कि साइना है। सबसे पहले तो दर्शक ये बात देखकर हैरान रह गए कि इसमें तो श्रद्धा कपूर को लेने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया, ये अचानक से कैसे आगे पर नीति चोपड़ा। खैर यहाँ पर दोस्तों मोस्टली लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि इसके ट्रेलर की स्टार्टिंग में जो ये लड़का लड़की के भेदभाव वाली बात है, तो ये कहाँ से हो गया? क्यों हर बॉलीवुड की फिल्म को जो कि वुमेन सेंट्रिक होती है, या फिर जो जो कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से किसी की बायोपिक होती है, तो उसको ओवर ड्रामेटाइज क्यों किया जाता है? दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि ये कब से हो गया कि साइना को ये सारी चीजों की जरूरत पड़ गई कि राजा बेटा तो भाई पढ़ेगा लिखेगा और रानी बेटी जो है वो चूल्हा बर्तन साफ करेगी और उसके बाद 18 के बाद शादी, ऐसा क्यों? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही आता है क्योंकि साइना जिस बैकग्राउंड से आती हैं, जहां से वो पली बड़ी हैं और जिस एरा में वो बेसिकली पैदा हुई थी, उस समय तो लड़का लड़की का भेदभाव खत्म होने लग गया था, इनफैक्ट खत्म ही हो चुका था। और ऐसे में साइना के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही किया गया है इस बायोपिक में। मैं साइना नेहवाल जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग ही टैलेंट है, वो नहीं, लेकिन ये जो फिल्म लेकर आए हैं उसका क्या, उसमें क्यों इस तरीके से उन चीजों को उछाला जा रहा है जो कि एकदम मुद्दे से भटक जाती हैं। वैसे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो बॉलीवुड में अक्सर जो बायोपिक्स बनती हैं वो बायोपिक्स पता नहीं क्यों मुद्दों से भटकती हुई नजर आती हैं। वो लिटरली मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करने के चक्कर में रियलिटी को पीछे छोड़ जाती है। सो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप एक्साइटेड हैं वैसे इस फिल्म के लिए, ये मुझे जरूर बताइएगा। अभी मार्च में रिलीज हो रही है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के साथ रिलीज हो रही है, तो देखते हैं कि क्या हश्र होता है। वैसे आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। मुझे इजाजत दें।